हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुप्रिया टॉक शो। तो आज हम आप लोग को राखी मेकअप बताने वाले हैं, बहुत सिंपल, वो भी सिर्फ चार चीजों में, जिसमें मैं यूज करने वाली हूँ सीसी क्रीम, लैक्मे की है, और एनवाई का कॉम्पैक्ट यूज करने वाली हूँ, बेला विस्टा का मैं लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ, और एनवाई का काजल यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लुक है ये, आप राखी नहीं कोई भी फंक्शन या किसी भी त्यौहार में आप यूज कर सकते हो घर पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। मैंने मेकअप शुरू करने के पहले रोज टोनर लगाया था गुड वाइब्स का, तो आप भी इसे यूज कर सकते हैं, और लिप बाम भी आपको यूज करना है, उससे आपके लिप सूखे सूखे नहीं लगेंगे जब हम लिपस्टिक लगाएंगे तो। ठीक है, पूरा इसे ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ब्लेंड दो तरीके से किया जाता है, या तो आप इसे सर्कुलर मोशन पे ऐसे से करें, या तो डायरेक्ट टैप कर दी जाए। ठीक है, जो आपको सिंपल लगे। कभी भी कोई भी मेकअप आपको नेक तक ही फाउंडेशन कॉम्पैक्ट ये सब लगाना है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। सो फ्रेंड्स, बीबी क्रीम हमने अच्छे से लगा दी है। ठीक है, अब मैं लगाने जा रही हूँ कॉम्पैक्ट। आप कॉम्पैक्ट को फैन ब्रश से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा ज्यादा ही लगाना है, क्योंकि जब वो सेट होगा आपका मेकअप तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ज्यादा मतलब भड़कीले टाइप नहीं करना है, लेकिन इतना कि फेस पे स्वेटिंग या ऐसे नहीं दिखे। और हाँ, आपको अपने कानों पे भी हल्का हल्का करना है कॉम्पैक्ट,
क्योंकि कान अलग से नहीं लगने चाहिए। हमने कॉम्पैक्ट भी लगा लिया, मैंने जैसे कि बताया ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये जो मेकअप हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैंने कॉम्पैक्ट लगा दिया। और बात रही हेयर स्टाइल की, तो हेयर स्टाइल हमने पहले ही कर दिया था, इनका बेबी हेयर कट इन्होंने आगे से किया हुआ है, तो ये मैंने सीन की हेयर स्टाइल की है। और अगर आपको ये हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है, पीछे से जुड़ा किया है मैंने, अगर ये हेयर स्टाइल आपको अच्छी लग रही तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं ये हेयर स्टाइल आपको करके बताऊँगी। ठीक है, अब हम लगाने जा रहे हैं काजल। काजल को हमें आईलाइनर की तरह यूज करना है। काजल या फिर आईलाइनर आप जो भी लगा रहे हैं, कभी भी अपने आंखों को इस तरीके से आपको करना है और उसके बाद करना है, स्किन टाइट हो जाएगी तब आप स्मूथली कर सकते हैं। देखिए मैंने ये एक आंखों पे इनको लगा दिया है, ऐसे लगाने से आंखें आपकी बड़ी लगेंगी। ठीक है, आगे बोलना। आप चाहें तो ये जो मैंने नीचे लोअर लिड पे हाफ तक किया है, आप चाहें तो उसे पूरा कर सकते हैं, पर ये यहाँ पे मुझे हाफ ज्यादा अच्छा लग रहा है। और हम हल्का सा आँख एक बहुत ही ज्यादा हल्की सी लेयर मैंने लगाई है, हमने सब कर लिया है, अब ये लास्ट लिपस्टिक, तो अब लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। लिपस्टिक जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि लिपस्टिक कभी भी आगे से क्रॉस किया जाता है, एम बनाते हैं ना, वैसे करने की कोशिश किया करो आप लोग। तो लिपस्टिक लग गई है, पर मुझे उसे हल्की सी क्लीन करनी है, तो मैं कर लूंगी लास्ट में।
कभी भी मेकअप करने के लास्ट में पूरे फेस को चेक करिए, जहाँ पे लगता है काजल स्प्रेड हो गया है या लिपस्टिक आपके ऊपर नीचे हो गई है, तो वो भी आप लास्ट में क्या करिए। ऐसे नहीं कि ये कर लूँ फटाफट, उससे भी बिगड़ जाता है एकदम, सब कुछ हो गया है तो आप लास्ट में अपना सब क्लीन कर सकते हैं। सो अगर आप चाहें तो ऐसे भी रेडी हो सकते हैं, लेकिन एकदम सिंपल लुक में, लेकिन मैं चाहती हूँ एक बिंदी। इंडियन लुक में बिंदी जरूरी होती है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो मैं अब इयररिंग इन्हें पहनाऊंगी जो इनको पसंद है। इयररिंग इन्होंने ये वाली पसंद की है। अगर आपने मेरा इयररिंग का कलेक्शन नहीं देखा अभी तक यूट्यूब पे, तो प्लीज जाके वो भी चेक कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी। बहुत अच्छी अच्छी मेरे पास कलेक्शन है, आप भी देख के बताइए। जो नहीं है वो भी कलेक्शन में अपने पास ले लूंगी। तो ये रेडी है, बट जो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, एब्रो फील करना, ठीक है? एब्रो का आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आई शेडो है, आप चाहो तो ऐसे सिंपल भी लुक में रेडी हो सकते हो अगर घर पे हो रहे हो। लेकिन अगर आपको है कि नहीं एब्रो अच्छे नहीं लग रहे हैं, पूरा रेडी होने के बाद मेकअप फुल नहीं लग रहा, मतलब ऐसे लग रहा कुछ खाली है, तो कोई बात नहीं। आपके पास अगर आई शेडो है तो आप उससे भी अपना एब्रो थोड़ा सा तो ठीक कर ही सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ मैट यूज करना रहता है और वो भी ब्राउन कलर। हम ज़्यादा फील नहीं करने वाले हैं क्योंकि एकदम से भड़कीला नहीं लगे, लेकिन हाँ ब्लैक कलर कभी भी आप यूज़ मत करना क्योंकि ब्लैक कलर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? ये मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो फिर उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ये फटाफट एब्रो आपका ठीक करने के लिए है, वरना लोग एब्रो पेंसिल ऐसे यूज़ करते। लेकिन अगर आपके पास एब्रो पेंसिल नहीं है, आपको यूज़ करने नहीं आ रहा, या फिर एब्रो पेंसिल से करने के बाद आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं अपना बताऊँ तो मैं जल्दी एब्रो फिल करती ही नहीं हूँ, देख लो अभी भी।
ये आईब्रो भी फिल हो चुका है, तो आप देख सकते हैं आईब्रो के बाद चेहरा और खिला हुआ लग रहा है। सो हमारा मेकअप आपको कैसा लगा ये आप प्लीज जरूर बता लें। और जिनका मैंने मेकअप किया है ये मेरी दीदी है, तो इनसे मैं पूछ लेती हूँ कि इनको कैसा लगा ये मैंने जो झटपट मेकअप किया है, मेकअप कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। राखी लुक या किसी भी फंक्शन के लिए बहुत कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इजी है। और भड़कीला लग रहा है आपको? नहीं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को भी ये मेकअप करना है तो प्लीज़ इस तरीके से मेकअप करके आप रेडी हो सकते हो। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप कुर्ती पे ही करें, आप ये हेयर स्टाइल और ये लुक किसी भी साड़ी लहंगे किसी पे भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप भूल गए तो आपको मेरे नए वीडियो के बाद नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे, तो प्लीज़ 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 कीजिए। और हाँ, आपको इसमें अगर कुछ क्यूरी हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ सकते हैं आप। और नए वीडियोस में आपके लिए किस चीज़ पे लाऊं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।